Dear students, today we are going to start the third session of chapter number 1. Till second session, we have done all the questions of exercise 1.2 and now come on the topic revisiting irrational numbers. In class 9th we have understood about the irrational numbers और हमें ये मालूम चल गया था कि rational and irrational together made up of real numbers. Last class में हमने इनको prove नहीं किया था 9th में root 2, root 3, root 5 वगैरह को कि ये irrational हैं. किसी भी चीज को अगर इरेशनल प्रूव करना हो तो क्या कंडीशन है बच्चों? ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. पी बाई क्यू के रूप में अगर उसको हम नहीं लिख सकते हैं तो वो इरेशनल नंबर हुआ. दूसरा क्या तरीका है? एक और डेफिनेशन मैंने बोला था, जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो वो भी इरेशनल नंबर है. सम एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई इरेशनल है, रूट टू अपॉन रूट थ्री, ये भी इरेशनल है. अभी हम प्रूव करना चाहते हैं कि रूट टू इरेशनल है, उसके पहले एक थ्योरम पढ़ लेते हैं. थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो वेर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर. कुछ समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में समझो, वो कह रहा है कि पी कोई प्राइम नंबर है, उसको यदि ए स्क्वायर से वो डिविजिबल है, ए स्क्वायर से यदि वो डिविजिबल है तो वो ए से भी डिविजिबल होगा. बस ये है. क्या लिखा है? यही लिखा है क्या? लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए वेर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर. इसको कुछ प्रूव किया है, अपने को एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन सिंपली एक ही बात है, वो मैं आगे क्वेश्चन में वो चीज आने वाली है तो वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, चलो हम प्रूव करते हैं कि रूट टू इरेशनल है. और जो अब हम प्रूव करेंगे वो एक फॉर्मूला क्या है उसको हम बोलेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. क्या बोलेंगे? दिस टेक्निक इज यूज्ड इन डिस्कस इन डिटेल इन अपेंडिक्स 1. प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास. विरोधाभास कहते हैं ना. चलिए आ जाओ थ्योरम 1.4 भी ऐसा ही है, रूट टू इरेशनल, लेकिन हम उसको प्रूव कर रहे हैं. शांति से इस चीज को समझना, पहला पार्ट है, इसी पे बेस सारे क्वेश्चन है. हमको प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल है. हमने कहा लेट यानी माना कि लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट रूट टू इज रेशनल. मान लेते हैं रेशनल है. अभी आपने हमको प्रूव कर रहा इरेशनल, पर हम तो मानते हैं कि साहब रेशनल है. अगर ये रेशनल होगा तो ये आर बाई एस के फॉर्म में होगा, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ आर बाई एस में कोई कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम क्या करते हैं ऐसा निकालते हैं ए बाई बी. रूट टू को हम लिखते हैं रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ये हमने लिखा,
इसको जरा कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू हो गया बी रूट टू, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। फिर लिखेंगे बी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, लिख सकते हैं। यहां पे बात को पकड़िए, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है टू से, तो ए भी डिविजिबल होगा टू से, थ्योरम नंबर 1.3, ठीक है। बी स्क्वायर में ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन टू, और ए स्क्वायर यदि डिविजिबल है टू से तो हम मानेंगे थ्योरम के हिसाब से कि ए भी डिविजिबल होगा टू से, इसको मान लेते हैं हम सी। ये सभी बुक में है, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं आपको, देखो तो ये बन जाएगा टू सी, आगे चलते जाओ जगह नहीं है, टू सी बराबर ए, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक बार मैं यहां गाड़ी रोक रहा हूं, चलो पहले बुक पे आओ, एक बार बुक पे आ जाओ, क्या लिखा आ जाओ, फिर मैं और इसको मैंने अलग से सॉल्व भी किया है। लेट अस एज्यूम दिस, ये हो गया आर एन ए कॉमन फैक्टर एंड बी एन ए हैव को प्राइम्स, तो बी रूट टू इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ स्क्वायर किया टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया, यहाँ आप लिख दो एक स्टेप और लिख दो बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू लिख दो, फिर लिखो तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से ए को टू डिवाइड करेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख दो वापस ए बाई टू इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू टू सी लिख दो, ठीक है, फिर दोनों तरफ वापस स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, और फोर सी स्क्वायर को मैंने यहाँ रखता हूँ। अब जरा मैं वापस से, ये बुक में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं इसको प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ओके यहाँ आ जाइए, वापस से बोल रहा हूं मैं, लेट टू हमको प्रूव करना है टू इज ए रेशनल नंबर, लेट द टू इज ए रेशनल नंबर देन टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर अपॉन एस वेर एस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देर इज अ कॉमन फैक्टर इन आर एस, देन वी गेट द रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, देर इज एनी नो कॉमन फैक्टर, सो नाउ ए इज इक्वल टू रूट टू बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट दिस, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू, सिंस टू विल ऑल्सो डिवाइड ए बिकॉज ए टू इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर, सो टू विल डिवाइड ए, सो वी कैन एज्यूम दैट सी इज इक्वल टू ए अपॉन टू, डिविजिबल है तो सी हो जाएगा, दोनों को किया ए इज इक्वल टू टू सी, अगेन स्क्वायरिंग किया ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू को टू सेकेंड नंबर इक्वेशन से उठा के यहां रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू टू इक्वेशन नंबर वन, ये मेरा बन गया फोर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, इसको मैं टू कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बन गया मेरा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, देन बी विल ऑल्सो बी then b will also be divisible by 2. अभी अभी आपने कहा था a भी divisible है 2 से, अब आप कह रहे हो b भी divisible है 2 से, और आपने तो कहा था कि दोनों में कोई common factor है ही नहीं एक के अलावा, means a and b have common factor 2 other than 1, so it is not there because we have assumed that a and b are co-prime numbers. अब आ जाओ बुक में क्या लिखा है, यहां तक की बात हो गई, अब बुक में आ जाओ, दिस मीन्स द टू डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड सो टू डिवाइड्स बी अगेन, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, हमने पहले से मान लिया था कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, लेकिन आप तो कह रहे हो दो कॉमन फैक्टर है, तो ये इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द
द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट टू इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल. किसी को कुछ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? वापस से चल दो, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं. आजा वापस से आ जाओ. हमको प्रूव करना है रूट टू इज इरेशनल, लेट टू इज अ रेशनल. पहले क्या एज्यूम करना? उल्टा. लेट टू इज अ रेशनल नंबर. इफ इट इज रेशनल नंबर देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शंस आर अपॉन एस, वेयर आर एस हैव कॉमन फैक्टर. सो वी कैन हैव रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी. अपन क्या कर सकते हैं ना, उसको काट सकते हैं ना. मान लिया चार अपॉन दो को आप दो बटा एक या ऐसे लिख सकते हो ना, काट सकते हो. तो सबसे छोटा लाना है, सबसे छोटा लिया है अपन, तो क्या आ गया? सबसे छोटा a बटा b आ गया. एंड a एंड b आर हैविंग नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दे आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है, यहाँ तक बराबर है. फिर हमने इसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर लिया और b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू आ गया. अब यहाँ पर गाड़ी को पकड़ो आप, ए स्क्वायर अपॉन टू यानी कि ए स्क्वायर से वो डिविजिबल होगा तो ए से भी डिविजिबल होगा. ये अपनी थ्योरम 1.3 कैरी, बस यह सारा खेल है. तो हमने मान लिया कि ये ए को भी डिवाइड करेगा, तो जो ए डिवाइड किया तो हो गया, बन गया सी. इसको वापस थोड़ा अलग से सॉल्व कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ये बन गया 4c स्क्वायर. इस 4c स्क्वायर को यहाँ रख दिया है ना, तो ये बन गया 4c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. 2 निकाल दिया, 2c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू आ गया. अब वापस गाड़ी यहाँ घूमी. बी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो बी भी डिविजिबल होगा. और आप पहले तो कह रहे हो ए डिविजिबल है 2 से, फिर कह रहे हो बी डिविजिबल है 2 से. तो ये तो बात आपने अभी अभी शुरू में बोला था कि ए और बी जो है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. अभी आप कह रहे हो 2 से डिविजिबल है. ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. यहां पे बात जमा लो. सो दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी. देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन that root 2 is irrational, rational, so we conclude that root 2 is irrational. मैंने 3 बार समझाया है और अब आपको एक दो बार आप भी इसको कोशिश करना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 9, सेम रूट 3 इरेशनल प्रूव करना है. मान लो रूट 3 रेशनल है, फिर मान लो ए बटा बी है, इसको ऐसे ऐसे करो, इसको करके इसको 3b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा. ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ए को भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए अपॉन 3 हो जाएगा. फिर वापस इसको आपस में सेट करो तो ये बन जाएगा, मान लिया 3c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ओहो, 3c इज इक्वल टू ए, तो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. करते जाओ. मैंने किया है शायद, जरा देख लेते. यस, ये मैंने कर लिया, इसको कर लिया, यहाँ तक पहुँच गया. हमने कहा कि ए स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो ए भी होगा. ये कर लिया सी, ए इज इक्वल टू 3c कर दिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया. इस 9c स्क्वायर को उठा के ए की वैल्यू यहाँ रख दी, रख दो. 9c स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर, दोनों तरफ 3 का कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया. तो ये आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 3 आ गया. अब आप कह रहे हो कि बी स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा तो बी में भी जाएगा, फिर वही वाली बात.
फिर वही वाली बात रिपीट कर लो। दिस मीन्स बी स्क्वायर डिविजिबल बाई थ्री, लेकिन ये हमने कहा कि तीन इज अ कॉमन फैक्टर, जबकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि ये तो को प्राइम नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट थ्री इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट थ्री इज इरेशनल। अलग प्रकार का है ये, नया एक्सपीरियंस है, मजेदार, घबराओ नहीं, मस्त। ये भी एक पार्ट है मैथमेटिक्स का, इसी तरीके से प्रूव करते हैं। चलो नाइन्थ क्लास में पढ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। प्रोडक्ट एंड कोशेंट, कोशेंट यानी कि डिवीजन का रिजल्ट, कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ द इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। और आपने एक और पढ़ा था, अगर इरेशनल और इरेशनल का आपस का अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन होगा तो रिजल्ट कैन बी इरेशनल और एज वेल एज रेशनल, दोनों हो सकते हैं। पढ़ा था नाइन्थ में कि भूल गए, सब भूल जाते हो। बोलो रूट टू अपॉन रूट टू क्या होगा, बताओ वन होगा कि नहीं होगा। तो इरेशनल और इरेशनल हो तो रेशनल आंसर आ सकता है, पढ़ा है नाइन्थ में। क्वेश्चन नंबर आ जाइए टेन। अब इजी है, बस अभी तक थोड़ा टफ था, अब इजी है। फाइव माइनस रूट थ्री को प्रूव कर रहा इरेशनल। पहले मान लो कि ये रेशनल है, फिर मान लो ये ए बटा बी है। चलो इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, मैंने किया हुआ, आ जाओ। ये मान लिया ए बटा बी है, इसको भी मान लिया, इसको मैं इधर ले आया तो रूट थ्री इज इक्वल टू हो गया फाइव माइनस ए बटा बी, ए बाई बी हो गया कि नहीं हुआ। अब आप लिखो कि इट मीन्स इट शोज दैट फाइव माइनस ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर, दिख रहा है। बट इस अगर ये रेशनल है तो ये रेशनल होगा, जबकि ये है नहीं। पढ़ो क्या लिखते हैं, देखो बुक में अलग तरीके से लिखते हैं, क्या लिखा है। रीअरेंजिंग, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर सो वी गेट फाइव माइनस ए बाई बी इज रेशनल एंड सो रूट थ्री इज ऑल्सो रेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेज बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशन कि फाइव माइनस रूट थ्री रेशनल है, सो फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। अजीब सा क्वेश्चन है ना, कुछ बड़ी बात नहीं, वापस से देख लो, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी को यहाँ पे पहुँचा दिया हमने, क्या किया, रूट थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस ए बाई बी पे गाड़ी पहुँच गई। यहां पे जाके हमने बोला कि ये तो रेशनल है, तो ये भी रेशनल हुआ। फिर आपने कहा सर ये तो इरेशनल है, तो हमने कहा ओके, तो हमारा एजम्पशन गलत था, इसका मतलब ये फाइव माइनस रूट थ्री इरेशनल है, हमारा एजम्पशन गलत था। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन और करो, आज क्वेश्चन करते जाओ, समझ में आ जाएगा। थ्री रूट टू इसको मानो, इसको भी ए बाई बी मान लिया, फिर हमने रूट टू इज इक्वल टू इसको सेट किया तो रूट टू इज इक्वल टू ए बाई थ्री बी आ गया। बात वही बोलना है कि ए अपॉन थ्री बी इज ए रेशनल नंबर, इट मीन्स दैट रूट टू इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो दैट contradicts the fact the root 2 is irrational, so we conclude that 3 root 2 is irrational. चलिए एक्सरसाइज करते हैं, ये तीनों क्वेश्चन, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे के सारे सेम।
लेट रूट फाइव इज ए, हम क्या कहेंगे, हमको प्रूव करना है कि रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर. सो पहले उल्टा करें, लेट क्या लिखोगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, सो वी कैन रिप्रेजेंट रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए और बी हैव नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन वन. लिखोगे ठीक है, करो ए इज इक्वल टू रूट फाइव बी करो, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कर दो, फिर लिखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर बाई फाइव, फिर लिखोगे सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव सो ए विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव, लेट द सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन फाइव, फिर ऐसे करना ए इज इक्वल टू फाइव सी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस 25c² को इक्वेशन नंबर टू लिखना, ये इक्वेशन नंबर वन लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इंटू फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू टू इक्वेशन नंबर वन, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा 25c² इज इक्वल टू 5b², 5 कॉमन लेना क्या बन जाएगा 5c² इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5, फिर क्या लिखोगे, इट मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल 5 सो बी विल ऑल्सो बी डिविजिबल 5, सो ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1 दैट इज 5, दिट कॉन्ट्राडिक्ट This contradicts. So the assumption. So because हमने एज्यूम किया था कि a by b जो है वो तो को प्राइम फैक्टर्स है नंबर्स हैं, लेकिन तो हमने ये लिखोगे बिकॉज इट कम्स बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption that root 5 is rational. So we conclude that root 5 is rational. सेम टेक्निक है, चलो ये वाला करो, सेम करो, सबसे पहले वही पूरी कहानी लिख दो, ए बाई बी कर दो, फिर इसको ऐसे शिफ्टिंग करो, फिर ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, बात वही पूरा लिखो कि दिस टर्म इज ए रेशनल नंबर, ए एंड बी आर इंटीजर्स, so root 5 would be a rational but root 5 is irrational some num irrational, so our assumption that 3 plus root 2 2 root 5 is rational is false, so 3 plus 2 root 5 is irrational. All questions are like this. Yahan kya keh raha hai, prove that following are irrationals, same technique, सेम वही टेक्निक करो, वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी कर लो, रूट टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए कर लो, फिर क्या लिखोगे, हाँ रूट टू ए इज इक्वल टू बी लिख दो, फिर टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिख दो, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू लिख दो, फिर लिखो कि बी इज डिविजिबल बाई फाइव होगा तो सी इज इक्वल टू बी बाई टू लिखो, फिर ये बन जाएगा 2c इज इक्वल टू बी लिख दो, फिर 4c² इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिखो, फिर 4c² को यहाँ पुट करो तो 2a² इज इक्वल टू 4c² हो गया, तो a² इज इक्वल टू 2c² हो गया, तो c² बराबर हो गया a² अपॉन 2 हो गया, तो a² 2 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 2 से, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये वही वाली बात लिख देना सेम, ये का ही काम यहाँ पे करो, इसको करो, ये इन वो दिख रहा है रेशनल बट वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल, सो अगेन कॉन्ट्राडिक्स हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पर ये कर लो रूट टू इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये लग रहा है रेशनल तो इसके मतलब रूट टू भी रेशनल होना चाहिए जबकि ये है नहीं, कॉन्ट्राडिक्स. थोड़ा अलग तरह का है ये, कुछ ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, लेकिन ये ऐसा कुछ चिंता की बात नहीं है, यू डू इट एंड बहुत इजी है, एग्ज़ाम में आ जाए तो अच्छे से लिखना और बढ़िया है, समझने वाला है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन समझने की चीज़ है. चलो जल्दी जल्दी ये भी पढ़ लें, आज चैप्टर फिनिश कर दें अगर आपका मूड है तो, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपांशन,
रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब हमको देखते ही मालूम चल जाए टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग होता है। अब हमको P बाई Q में Q को देखते मालूम चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, बस ये वाला चैप्टर, ठीक है। क्या करना है, यहां पर एग्जांपल दे रखा है, ये इनको दिया हुआ है, इन सबको अपने पॉइंट हटा के ये कर दिया, एक आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। सबके नीचे क्या आ रहा है, सबके नीचे क्या आ रहा है, 10। अब 10 जो होता है ना, 10 हाँ, जो 10 होता है उसको अपन लिख सकते हैं 2 × 5, लिख सकते हैं। अगर मान लिया ये 1000 है, इसको मैं 10^3 लिख सकता हूं, इसका मतलब 2^3 × 5^3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरा डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्मेट में है, तो जो मेरा ये नंबर है रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसका फॉर्मेट जो है वो 10 की फॉर्म में है, तो वी आवर डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, एक जगह जाके रुक जाएगा। और अगर नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरी चीज आ रही होगी ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग, बस सिंपल। आ जाओ यहां पर, इसको इन्होंने ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी अभी लिख के बताया। इसको ये कट रहा है, वापस देख लो, यहाँ पर क्या किया था, ये लाए, अब यहाँ पर इसको दोनों को लिख दिया, इसको ऊपर वाले को भी वो कर दिया, चाहो तो इसको इसको काट दो तो ये बन जाएगा। अपने को तो ऐसा लगेगा कि 5 नहीं है, लेकिन 5 तो था। नीचे वाला का पैटर्न 5 बना, 2 × 5 बनाना है, वो भी अपन अभी करने वाले, आ जाओ वो भी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पहले थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 1.5, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2^n एंड 5^m। नीचे वाला डिनोमिनेटर 2^n 5^n में रिप्रेजेंट अगर होगा तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, 3/8 बच्चों, आ जाओ बच्चों 3/8 करके देखते हैं। चलो इधर करते हैं, सभी इधर आ जाओ, 3/8 ठीक है, ओके। इसको मैं लिख रहा हूं 3/2 ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे इसको 5 और 2 बनाना, 10 बनाना, तो क्या करूंगा, दोनों तरफ में 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, ये ऊपर ऊपर हो जाएगा 3 × 5³/10³ ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 125/1000 ठीक है, तो 125 × 3 करो कितना हो जाता है, 375, तो 375/100 = 0.375 आया क्या, देखो आया क्या, क्या किया मैंने, 2³ नीचे था तो 5³ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला 10 बन गया, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अभी दूसरा करके देखते हैं, ये है 13 बाई
125, इसको मैंने लिख दिया 13/5 क्यूब, 2 क्यूब को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2 को, यस वेरी गुड, करो आप सब बच्चे, सभी बच्चे करो इसको। 7/80 करके बताओ मेरे को, 7/80 क्या होगा बच्चों बताओ। यहाँ हो रहा है 7/80 को मैंने कर दिया 2^4×5, ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक काम आ रही है। यहाँ मेरे को 5 का क्यूब बना तो ऊपर नीचे क्या करूँ, 5 क्यूब और 5 क्यूब मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर तो हो जाएगा 7×5 क्यूब और नीचे क्या बन जाएगा, 2 क्यूब × 5 क्यूब बन गया, बन गया, बन गया कि नहीं बना बच्चों बताओ क्या है, कोई तो मेरे को यस, हाँ अब आपको समझ में आ रहा है, इसको भी कर लिया, ये 2 क्यूब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये 2 स्क्वायर ऑलरेडी था, × 2^4 किया, इधर भी 2^4 किया, तो दोनों मिलके बन गया 2^6, कंफ्यूज नहीं होना है, वही थ्योरम को रिपीट कर रहा है। लेट x इज इक्वल टू p/q रेशनल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यू विल बी 2^(n)(5m) व्हेन n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और इसके अलावा यदि कोई है, 2 और 5 के अलावा कोई है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहां एग्जांपल 1/7 का दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख लो, थ्योरम लास्ट, लेट x इज इक्वल टू p/q where p and q are coprimes and we are rational numbers such that the prime factorization of q is not in the form of not, where n and m are negative integers, the x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. और हमेशा डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। चलिए जल्दी जल्दी कुछ कर लो, एक्सरसाइज कर लेते हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये बताओ मेरे को कि ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जल्दी जल्दी बता दो, एक्सरसाइज 1.4 कर लो ताकि हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है 13/3125, 3125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या किया मैंने, ये आ गया 5 का क्यूब। अब मुझे क्या करना है, नीचे ऊपर दोनों तरफ 2^3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दो, बन गया टर्मिनेटिंग, यस। अब जरा क्वेश्चन करोगे तो फटाफट समझ में आएगा, डू द क्वेश्चंस। 17/8, 2^3, दोनों तरफ 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, यस यस, बहुत इजी है। 455 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो क्या लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका करके देखा तो ये आया नीचे 1600 का 2^65, तो क्या करो बच्चों बताओ, ऊपर नीचे दोनों तरफ 5^4 और 5^4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो जरा करके देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बन जाएगा तुम्हारा 15×5^4 और ये बन जाएगा 2^6×5^6। इसको और लिख दूं एक स्टेप में नीचे, एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं नीचे, ये बन जाएगा 15×5^4 डिवाइड बाय, या डायरेक्ट कर दो तो 5^4 था 625 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसा कर लो आप और ये आंसर आना चाहिए, करके देखो, करके देखो तो समझ में आ जाएगा, देखोगे ऐसे ही तो नहीं समझ में आएगा।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सेवन आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सिंपल बात कर लो, यहाँ पर फाइव का स्क्वायर ऑलरेडी है तो केवल ऊपर नीचे फाइव का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 23 × 5 और ये बन जाएगा 2³ × 5³, ये आंसर आना चाहिए। देखो आया कि नहीं आया, सेवन, यहाँ 2, 5 और 7 आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ 3 आ रहा है, ओके ये भी कुछ बात है, यहाँ पर 3 तो आ रहा है लेकिन जब मैंने ऊपर वाले को फैक्टराइज किया तो ये 3 से 3 कट गया तो ये बन गया 2/5, तो इसको तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज को लिख दो × 2 × 2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/10 0.4। तो कभी कभी 3 तो आया नीचे लेकिन ऊपर भी कट रहा था वो, सिमिलरली यहां भी कट रहा है, ये 5 से 5 कट गया, मस्त। ये देखो क्या कहता है, इसको कट तो गया लेकिन फिर भी 3 रह गया है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अगर 3 नहीं होता तो मामला जम जाता। कर लिए क्वेश्चन सारे, करोगे सब कर लोगे शांति से, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, डू द क्वेश्चंस और देखो, राइट डाउन ऑल द डेसिमल एक्सपेंशन, यहां पर जिसके जिसके टर्मिनेटिंग था उसको लिखो तो लिख देना सेम। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ लास्ट, द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, पहले तो ये बताओ कि रेशनल है या नहीं है, हाँ, एंड इफ दे आर रेशनल तो P/Q में व्हाट कैन बी, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, बताओ कौन बच्चा बिना कुछ कैलकुलेशन किए देखते ही आंसर दे सकता है, बताओ। चलिए सबसे पहले ये लिया टर्मिनेटिंग, आगे थोड़ी एक्सपांशन हो रहा, टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, क्या कहोगे, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 power n m power m, 2 और 5 की पावर में रहेगा क्यू, देखते मालूम चल रहा है, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें ये 1, 2, 0 ये तो अलग ही जा रहा है, तो ये हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, रेकरिंग भी नहीं हो रहा तो क्या कहेंगे, इट इज इरेशनल नंबर, रेशनल ही नहीं है। तो थर्ड वन में हमने बार लगा रखा है, देखो थर्ड वन में बार लगा रहा, यानी ये वाला रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए आप लिखोगे the q or the denominator will not be in the form of 2 power n 5 power m, ऐसे आप लिख देना बस, पहला तो है terminating, so q will be in the form of 2 की power n into 5 की power m, ऐसे लिखना है, ये लिखना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरेशनल नंबर, फिर इसको लिखना नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, सो q will not be in the form of this। So, dear students, today I have finished your chapter number 1. Very interesting and a different kind of chapter. एक एक चीज बड़े काम की है, मजेदार है, बोरिंग नहीं है, तुम लोग बोरिंग समझ रहे हो, बोरिंग नहीं है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, इरेशनल रेशनल नंबर को समझने में आपकी मास्टरी हो गई, आपने LCM HCF को भी वापस से पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ लिया, और यूक्लिड का फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, उससे भी HCF निकाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी। ओके, ये मेरा 3 classes थर्ड क्लास था एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन 3 classes, so you can see again if you have any doubt, but still I want to say that you try all the questions, try all the examples and
Finally, you write down in your fair copy with a good handwriting and perfect language so that you can feel that the chapter is fully completed and you can solve any type of problem in the exam. Okay.